एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिव्स अस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, दरअसल में से कौन सी इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हम बताती है। ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी, तो करेक्ट आंसर इसका है वो है बी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताती है। एमसीक्यूज नंबर 2, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गिव्स अस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कौन सी इक्वेशन बताती है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बर्नोलियस इक्वेशन। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 3 की, द सब्सटेंस दैट फ्लो इजीली हैव द कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी। वो सब्सटेंस जो इजीली आसानी से फ्लो कर जाए उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी की वैल्यू क्या होगी, ईटा की वैल्यू क्या होगी। तो थर्ड का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं ए बी सी एंड डी, तो करेक्ट आंसर है ए, स्मॉल होगी। एमसीक्यू नंबर 4, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द विस्कासिटी। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो विस्कासिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ईटा की वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, डिक्रीज, टेम्परेचर को बढ़ाने से विस्कासिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ द विस्कासिटी इज, सिस्टम इंटरनेशनल में विस्कासिटी का यूनिट क्या है। तो सिंपल स्टोक्स लॉ की हेल्प से आप विस्कासिटी का यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 6 बाई ईटा आर वी। तो यहाँ पे ईटा को जब सेपरेट करेंगे तो इसका यूनिट बनेगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वेयर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6, द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस एमसीक्यूज में पूछा हुआ है ड्रैग फोर्स कब इंक्रीज होगी, जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसकी वैल्यू जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो सामने से जो रेजिस्टिव फोर्स होगी वो भी वैल्यू उसकी भी इंक्रीज हो जाएगी। दिस वॉज द कंसेप्ट। एमसीक्यू नंबर 7, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फॉग फॉलिंग वर्टिकली इज प्रोपोर्शनल टू द, फॉग फॉलिंग धुंध धुंध जो है उसके जो ड्रॉप्स होते हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं कि वो फॉल करते हैं, उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, आर स्केयर, रेडियस के प्रोपोर्शनल, रेडियस के स्केयर के प्रोपोर्शनल होती है। एमसीक्यू नंबर 8, व्हेन द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर हैज टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज। मतलब क्या है कि ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो है उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो होगा वो फॉल करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एमसीक्यूज नंबर 9, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, रिप्रेजेंट, ये जो इक्वेशन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ए बी सी एंड डी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रही है दिस इक्वेशन। एमसीक्यूज नंबर 10, द एसआई यूनिट ऑफ द फ्लो रेट। इस एमसीक्यूज में पूछा हुआ है तो फ्लो रेट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस एमसीक्यूज आल्सो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एमसीक्यूज नंबर 11, द टोरिशल थ्योरम इज गिवन बाय द, टोरिशल थ्योरम जो है ये एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीस इक्वेशन है। टोरिशल थ्योरम जो है वो है वी टू इज इक्वल टू टू जी एच वन माइनस एच टू अंडर रूट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 12, द प्रेशर विल बी लो वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई। एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीस इक्वेशन, जहां पे प्रेशर जो होगा वो लो होगा, स्पीड वहां पे ज्यादा होगी। एमसीक्यू नंबर 13, वेंटुरी मीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द, वेंटुरी मीटर एक डिवाइस होती है, इसको हम यूज करते हैं किस चीज को मेजर करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, स्पीड ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की स्पीड को मेजर करने के लिए वेंटुरी मीटर यूज करते हैं। एमसीक्यू नंबर 14, ब्लड इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हैविंग ए डेंसिटी। हमारा जो खून है, ब्लड है, वो इनकम्प्रेसिबल है, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो है इक्वल टू वाटर, सी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 15, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ये किस चीज के इक्वल होता है। तो दो तरह का प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे पूछा हुआ है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 120 टॉर,
डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 16, नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर फॉर द ह्यूमन इज। नॉर्मल एक डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है इंसानों का वो कितना होता है, वो होता है 75 to 80। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 17, वन टॉर इज इक्वल टू। वन टॉर किस चीज के इक्वल होता है, टॉर्क होता है ब्लड प्रेशर मेजर करने का यूनिट होता है, तो वन टॉर जो होता है किस चीज के इक्वल होता है, इसका करेक्ट आंसर है सी, 133.3 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 18, 266.6 इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास है, मतलब इसी वैल्यू को जब हम टू टाइम्स कर जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। इट मीन्स ये वैल्यू वन टॉर के इक्वल है, तो ये वैल्यू जो वैल्यू होगी वो टू टॉर के इक्वल होगी। दिस इज द टू टॉर। एमसीक्यू नंबर 19, द एसआई यूनिट ऑफ द ब्लड प्रेशर इज। ब्लड प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, ब्लड प्रेशर का एसआई यूनिट जो है वो है टॉर, टॉर में मेजर करते हैं। वैसे तो प्रेशर का यूनिट आपने पढ़ा होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है, पास्कल है, लेकिन ब्लड प्रेशर का यूनिट जो है वो टॉर में मेजर करते हैं। 20 एमसीक्यूज, ब्लड प्रेशर इज द मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्मैग्मोमैनोमीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 2020 एमसीक्यूज का हमने प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलते हैं चैप्टर 7 में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।